शुभ दीपावली दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं सुंदर सा और आसान सा एक्स वाई जेड की मदद से लक्ष्मी जी का ड्राइंग। देखिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा ड्राइंग है लक्ष्मी जी का। देखिए किस प्रकार से हमें एक्स वाई जेड लिखनी है कागज़ पर। इस तरह से हमें एक के नीचे एक एक्स वाई जेड लिखने हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जेड। देखिए एक्स वाई जेड हमने इस तरह से कागज़ पर लिख लिए। अब देखिए कितनी आसानी से एक्स की मदद से हम उनका मुकुट बनाते हैं। बहुत ही आसान सा सिंपल सा ड्राइंग है। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। देखिए इस प्रकार से उनका मुकुट बन गया। बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है। चाहे तो बाद में आप वीडियो को स्लो कर देख सकते हैं। पहले पूरा देख लीजिएगा, बाद में इसी तरह से बनाइएगा। अब देखिए जो मुकुट के पीछे एक रिंग होती है वो भी हम निकालेंगे। इस तरह से सुंदर से उस पर हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बहुत आराम से आपको ये ड्राइंग बनाना होगा तभी ये लक्ष्मी जी का ड्राइंग सुंदर बनेगा। तो एक्स और वाई को हम जोड़ देंगे तो उनका चेहरा बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम गोलाकार आकार यूज़ करेंगे देखिए, ताकि उनका चेहरा अच्छा दिखे। यहाँ पर हम उनकी आँखें बनाएंगे, ये उनका तिलक वगैरह। ध्यान से बनाइएगा आँखें वगैरह, नाक वगैरह। ये बहुत आराम से सुंदर तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। देखिए इस तरह से उनकी आँखें बन गई। यहाँ पर बीच में उनकी नाक बनाएंगे, यहाँ पर ओट बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक्सप्रेशन मेरे ड्राइंग के और आपके ड्राइंग के थोड़े अलग हो सकते हैं। आप सुंदर तरीके से बनाइएगा। देखिए यहाँ से उनके हम कान बनाएंगे, ये कुंडल वगैरह नीचे। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये ड्राइंग बनने वाला है लक्ष्मी माता जी का। आप ध्यान से ज़रूर देखिए। यहाँ से हम उनका गला बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो एक उनका हार बन गया। और जो बड़ा वाला हार है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसे यूका शेप भी कह सकते हैं। देखिए कितने आसानी से लंबा सा सुंदर सा उनका हम हार बनाएंगे। आपको ये ड्राइंग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि डेली मैं आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ मिल सकूँ। देखिए लंबा सा सुंदर सा उनका हार बन गया। अंदर से भी हम एक हार दिखा सकते हैं, कुछ डिज़ाइन वगैरह इस पर भी हम ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है, बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइएगा। चाहे तो पहले आप पेंसिल से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जेड की मदद से हम उनका पैर बनाएंगे। अब ये लक्ष्मी जी है कमल पर बैठी हुई है, तो एक पैर इनका कमल के अंदर है और एक पैर उन्होंने कमल के बाहर रखा है। तो इस तरह से पहले हम पैर निकाल लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो जेड की नीचे वाली डंडी है वहाँ से पहले हम कुछ कमल की पंखुड़ियाँ निकाल लेंगे ताकि उनका एक पैर कमल के अंदर दिखे। देखिए इस तरह से कुछ हमने कमल की पंखुड़ियाँ निकाल दी। अब देखिए जेड के ऊपर वाले हिस्से से हम उनका पैर बनाएंगे इस तरह से। या अंदर वाला पैर तो हो गया बहुत ही आसानी से। इस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह सुंदर सा हम इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। ज़्यादा भी डिज़ाइन मत बनाइएगा। देखिए अब अंदाज़ा ले लेंगे कि दूसरा पैर कहाँ पे आएगा, क्योंकि उसी पर उन्होंने धन वर्षा करने वाला हाथ रखा हुआ है। तो वो हम एक बार निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि वो हाथ के ऊपर आएगा तो पहले हम हाथ निकाल लेंगे और उसके नीचे फिर हम पैर निकालेंगे। देखिए सुंदर सा उनका हाथ बन गया। अब देखिए जेड की ऊपर वाली डंडी से हम उनका जो बाहर वाला पैर है वो निकालेंगे इस तरह से। हाथ की जगह छोड़ देंगे और जो नीचे वाला जेड का हिस्सा है वहाँ तक जोड़ देंगे इस तरह से। उस पर भी कुछ डिज़ाइन वगैरह हम बना सकते हैं सुंदर तरीके से। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ड्राइंग होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अब जो नीचे वाला पैर है जो बाहर निकला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए सुंदर सा ये उनकी उंगलियाँ वगैरह, ये नाखून वगैरह, जितनी चाहे आप डिटेलिंग इसमें कर सकते हैं। अब देखिए इस साइड की भी कमल की पंखुड़ियाँ निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे
कमल हमारा अच्छा दिखे। कुछ कमल की पंखुड़ियाँ पीछे से भी दिखती है, इस तरह से वो भी दिखाएंगे। अब उनके पैरों पर जो साड़ी है उस पर हम कुछ सिलवटें वगैरह इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल जितनी ज़रूरी है लाइंस उतनी ही डालिएगा। देखिए इस तरह से, तो उनके पैर बन गए। अब जो एक दूसरा वाला हाथ है जिसमें उन्होंने कलश वगैरह पकड़ा हुआ है, देखिए तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, पहले हाथ ड्रॉ करने हैं, बाद में हम हाथों को जोड़ने वाले हैं। देखिए इसके पीछे अब हम कलश निकालेंगे, नारियल वाला। देखिए इस तरह से मुझसे थोड़ा सा ये कलश इस साइड आ गया। आप चाहें तो बिल्कुल हाथों के पीछे ही इसको दिखा सकते हैं। देखिए इस तरह से उस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह सुंदर सी प्यारी सी। हम इसे कलर भी करने वाले हैं बाद में। देखिए ये कुछ पत्ते वगैरह और ये नारियल वगैरह होता है कलश में, इस तरह से देखिए कितनी आसानी से। अब यहाँ से हम उनका हाथ जोड़ देंगे, ये कंधा हो गया, ये हाथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जोड़ देंगे। ये उनकी साड़ी का हिस्सा यहाँ से लेंगे और इधर वाला हाथ भी हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए कुछ भी झंझट वाला ड्राइंग नहीं है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा ड्राइंग है। ये उनका कमर पट्टा वगैरह, उस पर भी कुछ डिज़ाइन वगैरह हम दिखा सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। देखिए ये उनकी साड़ी पर कुछ डिज़ाइन वगैरह और कुछ सिलवटें वगैरह। देखिए कितनी आसानी से। अब देखिए इनका इधर वाला हाथ भी हम जोड़ देंगे। अब देखिए कितनी आसानी से हम उनके पीछे वाले हाथ बनाते हैं। जिन हाथों में कमल के फूल होते हैं वो हाथ भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए ये कुछ ये हो गया उनके हाथों में कमल का फूल। देखिए और जो एक्स की डंडी है ऊपर से, वहाँ से हम उनके बाल निकालेंगे इस तरह से इस साइड के। अब दूसरी तरफ जो हाथ निकालना है वो इसी हाथ का उल्टा हमें निकालना है, मिरर इमेज हमें निकालनी है। देखिए इस तरह से इधर वाला हाथ भी बन गया, जिस हाथ में भी कमल पकड़ा हुआ है उन्होंने। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ड्राइंग है। देखिए कमल के फूल भी उनके हाथों में हमने इस तरह से दिखा दिए। अब यहाँ से इस साइड वाले बाल भी हम उनके एक्स की मदद से यहाँ तक जोड़ देंगे। और जिन पर और जिस पर उन्होंने पैर रखा है अपना, वो भी हम निकाल लेंगे स्टेप। और जिस थाली में वो धनवर्षा कर रही है वो भी हम निकालेंगे। देखिए ये धनवर्षा उस थाली में हो रही है, देखिए कितनी इस तरह से। और ये कमल के पत्ते, ये कमल के कुछ पंखुड़ियाँ वगैरह भी हम इस तरह से नीचे से भी दिखा सकते हैं ताकि कमल का फूल हमारा अच्छा दिखे। देखिए अब साइड में हम एक दिया भी लगा देंगे, लक्ष्मी जी है तो दिया तो चाहिए ही। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये ड्राइंग हो गया। अब सुंदर तरीके से हम इसमें कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से बिल्कुल समय निकाल कर इस दिवाली में या वैसे भी आप लक्ष्मी जी का ड्राइंग निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड की मदद से। बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स है, बस आपको इन्हें स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। और इस तरह से आप सुंदर तरीके से लक्ष्मी जी का प्यारा सा सुंदर सा ड्राइंग बना सकते हैं। ये बनाकर अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को ज़रूर दिखाइएगा। और आपको ये ड्राइंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए हैप्पी दिवाली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय लक्ष्मी माता।